आज हम पोहे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिवानी बेजल रेसिपीज़ को। मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। मैंने 1 कप पोहा लिया है, जिसे हम चिड़वा भी कहते हैं। आप मोटा या बारीक किसी तरह का भी पोहा ले सकते हैं। आप इसे बाउल में डालेंगे, साथ ही इसमें पानी डालकर इसे 2-3 बार धोएंगे। पोहे को हमने धो लिया है, अब इसमें पानी डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे छलनी में डालकर इसका पानी निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये दबाने पर दब रहा है, यानी कि कितना सॉफ्ट हो गया है। पोहे से पानी निकल गया है, अब इसे बाउल में डालेंगे। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मस लेंगे और मसल मसल कर हम इसे डो की फॉर्म में बनाकर तैयार करेंगे। हमने इसे आटे की तरह बना लिया है। मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इसे ग्रेट करेंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, अब इसमें डालेंगे 1 बारीक चॉप करी हरी मिर्च, 1 इंच बारीक कटा अदरक का टुकड़ा, साथ ही आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालें। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आधा चम्मच चाट मसाला, इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने पोहे के साथ सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस रेसिपी में यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट और आपकी किचन के काम को इजी बनाने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिक्स बनकर तैयार हो गया है। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ा सा डो हाथों में लेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए गोलाई की शेप देंगे और इसे दबाते हुए टिक्की बना लेंगे। टिक्की बनकर तैयार है। इसी तरीके से सभी टिक्कियों को बना लेंगे। हमने सभी टिक्कियों को बना लिया है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। गैस पर पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब एक एक करके इसमें टिक्की को डालेंगे और फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे। टिक्कियाँ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब इसे पलट देते हैं। और इसे दूसरी साइड से भी सेकेंगे। टिक्कियाँ सेक चुकी हैं, अब इसे हम निकालेंगे। देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इसे धनिए की चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें और चटपटी सी टिक्की का मज़ा उठाएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।